गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टोरी विलेज ऑफ पालमपुर। सबसे पहले देखते हैं कि क्लास 8 तक तो आप लोग जो है इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स सिलेबस में नहीं था, अब क्लास 9 में इकोनॉमिक्स जो है जुड़ गया। देखते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द वे मनी बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है किसका, पैसा का, बिजनेस का और ऑर्गेनाइजेशंस का, कैसे खर्च किया जाता है, पैसे को कैसे खर्च किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, उसके बारे में स्टडी करता है। और एक और जो है देख लेते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द वुमेन मेक डिसीजंस इन फेस ऑफ स्कार्सिटी। दिस कैन बी इंडिविजुअल डिसीजन, फैमिली डिसीजन और एनी टाइप्स ऑफ डिसीजंस। इकोनॉमिक्स स्टडी इज द हाउ ऑफ मेनी वुमेन मेक डिसीजन। यानी कि कैसे जो है डिसीजन लेता है कोई चीज जो है, वो फैमिली डिसीजन भी हो सकता है, आपका इंडिविजुअल डिसीजन भी हो सकता है और बिजनेस डिसीजन भी हो सकते हैं, एनी टाइप्स ऑफ डिसीजन हो सकता है जिसमें पैसों का लेन देन होता है। आप देखते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्टोरी विलेज ऑफ पालमपुर, तो ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है, ये कोई जो है ये काल्पनिक स्टोरी है। आप देखते हैं क्या है स्टोरी जो है विलेज ऑफ पालमपुर का, हम जो है कवर करेंगे इसमें टोटल जो है जितने जो लेक्चर होंगे। पहला जो होगा स्टोरी विलेज ऑफ पालमपुर का नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग टाउन और सिटी। जो है विलेज ऑफ पालमपुर के जो नेबर जो टाउन और सिटी कौन कौन से हैं। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे कि पालमपुर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा था। नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर ऑफ फैमिली, यानी कि विलेज ऑफ पालमपुर में कितने फैमिली है। नेक्स्ट देखेंगे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और वहां का लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम वहां पे सिंचाई की साधन जो है कैसा है। और नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद प्रोडक्शन एक्टिविटी और कौन कौन से वहां पे प्रोडक्शन किए जाते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज की जाती है या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की जाती है। आप देखते हैं नेबरिंग टाउन और विलेज देखते हैं, 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द विलेज शाहपुर टाउन क्या है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर जो है एक शाहपुर टाउन सिचुएटेड है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन स्टोरी विलेज ऑफ पालमपुर का ब्लॉक कार्ट्स, ट्रैक्टर, चोंगा वगैरह लोग यूज करते हैं, जीप वगैरह भी मॉडर्नाइजेशन में यूज करते हैं। टोटल फैमिली की अगर बात करते हैं तो टोटल फैमिली जो है 450। यहाँ पर अपर कास्ट की संख्या जो है 80%, दलित लोग जो है 150 पीपुल रहते हैं। और यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात हमने देखा तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी करीब बहुत ही अच्छा है और इरिगेशन सिस्टम भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। इसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियोज में हम लोग कब करें।